को समर्पित करना, ये भावना वृद्धि करना। पितामह भीष्म का यही भावना था। हो गया युद्ध में, उनका विश्वास था कि विजय किसका होगा, पांडव लोग का, पूर्ण रूप से विश्वास था। ये डिफिकल्ट टास्क था। दुर्योधन ने जितना बड़ा आयोजन किया था चतुराई से, अरे पांडव लोगों को सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक के लिए, कृष्ण के लिए यह संभव है। हमारा मन में बहुत कुछ आता है कि इस संभव होगा कि नहीं, मेरा जीवन में क्या होगा, कि हम जो सोच रहे हैं ना, ये हमारे लिए असंभव है, भगवान के लिए नहीं, गुरु कृष्ण के लिए नहीं। एक हम कमजोर क्यों होते हैं, इसलिए कमजोरी पता चलता है ना, ये नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, ये भावना सही है, हमसे ये नहीं होगा, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से संभव है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, मर्सी मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। जो असंभव शब्द है हमारे लिए कुछ असंभव नहीं। मुकम करोति वाचालम, सुने ना आप इसको, मुकम करोति वाचालम, कौन बोल रहे हैं? संसार में सबसे बड़ा कृपा प्राप्त साधु सिद्धर फल बोल रहे हैं। उनको पता है ना, उनको एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस है। मुकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरे, कृपा का जो स्वरूप है ना, हमको पता नहीं है, इसलिए हमारा विश्वास नहीं होता। भगवत जो कृपा है, साधु लोग का जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, सब कुछ अगर कृपा वर्षित हो गया ना, सब कुछ संभव है। जीवन भर हम जो संग्राम कर रहे हैं, जैसे साधु लोग, हम घर छोड़ दिए हैं, पिता माता छोड़ दिए हैं, एक स्थान में रह रहे हैं, कितना डिफिकल्टीज, ये सब चैलेंज सब ले रहे हैं कृपा के लिए। कृपा के सिवा कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हम लोग कंगाल है, कृपा की कंगाल है, लेकिन विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था पितामह भीष्म का कि जरूर पांडव लोग का विजय होगा। लेकिन पांडव लोग का विजय हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, लेकिन युधिष्ठिर को राजा स्वरूप में दर्शन करने का सौभाग्य नहीं था। इसलिए ठाकुर जी व्यवस्था करके ला रहे हैं, मोह पैदा किए, और ठाकुर जी खुद समझा रहे, व्यास नारद बड़े बड़े मुनि लोग ऋषि लोग समझा रहे, लेकिन वो नहीं समझ रहे। ये सुंदर भावना है, भगवान के मन में बहुत बड़ा दुख रहता है, समझ रहे ना, पूजा उपासना हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन उनका जो मिशन है, उनका जो लक्ष्य है, भक्त बड़ा होना चाहिए, भक्त का गुण कीर्तन होना चाहिए। ये अगर हम नहीं करते हैं ना, भगवान सुखी नहीं बनते। भगवान को कितना खिलाना, भोजन करने के लिए, भगवान की भोग लेने के लिए आप कितने भी आइटम बनाइए, भगवान इतने इसमें सुख नहीं होते। अगर भक्त का पूजा नहीं हुआ, भक्त का उपासना नहीं, भक्त का गुण कीर्तन नहीं हो रहा है, खुश नहीं होते, उनका स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो मिशन कंप्लीट हो गया कृष्ण का, युधिष्ठिर महाराज तो राजा बन गए, द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत थे, लेकिन उनका जो एक बहुत बड़ा कार्य, भक्तों को बड़ा, यही उपासना है हमारा, पद्धति गौड़ीय पद्धति में यही उपासना है, भगवत उपासना होते हैं, ये भक्त का उपासना है। इसलिए अर्चन जो पुजारी लोग अर्चन करते हैं, उनको पूछ लीजिए, ठाकुर जी कभी खुश नहीं होते, सेवा ग्रहण नहीं करते अगर गुरु जी का पूजा न हो, परम गुरु परात्पर गुरु, उनका पूजा नहीं होना, ठाकुर जी सेवा नहीं लेंगे। तुम कौन हो? आप अगर ठाकुर जी का पूजा करें, ठाकुर जी पूछेंगे तुम कौन हो, तुम मेरा हो क्या, तुम तो मेरा नहीं हो, मैं जिसका हूं उनको आदर करो पहले। ये सेंटिमेंट बात नहीं है, फिलोसॉफिकल चीज है।
अर्चन हो रहा है भगवान की, लेकिन सब पहले गुरु का मंत्र। ये ठाकुर जी का मिशन है, ठाकुर जी चाहते हैं भक्त का गुण कीर्तन हो, इसलिए भागवत में और कुछ नहीं है, भक्त का चरित्र, भक्त का चरित्र। इसमें ठाकुर जी का बहुत सुख होता है, इसलिए आज इसे व्यवस्था की कि युधिष्ठिर महाराज को बोले कि ठीक है तुम नहीं समझ रहे हो, अगर पितामह भीष्म का पास तुम जाएंगे वो समझा देंगे, तुम समझ लेंगे। बोले हाँ, भीतर में ठाकुर जी है ना, हमारा जो मन, एक हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं मान रहा है, एक मन नहीं मानता है कभी, मन तो पागल है, मन पागल है। भक्ति में ठाकुर यही बोले है ना, गोपीनाथ मनजे पागल मोरो, नामा ने शासन सदा अचेतन, विषय रगे छे घोर, ये पागल हो गए मेरा मन। ये सचमुच सही बात है, आचार्य लोग को पता है मन तो पागल है, हमारा मन से हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा बुद्धि से हम काम नहीं कर रहे हैं, हम गुरु जी जो बोल रहे हैं। मन है, बुद्धि है, आप जैसे महाराज श्री डॉक्टर है ना, महाराज को पूछ लीजिए, जब ऑपरेशन होता है ना क्या देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं ऑपरेशन से पहले, एनास्थेसिया, ऐसे इसका में आने से पहले, भक्त बनने से पहले एनास्थेसिया लेना होगा, कहाँ, मन के लिए। उड़िया में जो बुढ़ी लोग है, माँ लोग है, वो बोलते हैं तुम कैसे साधु बनेंगे, मन को मारो पहले, उनको मार दो फिर साधु बनना है तुमको। जय, मन को मारने से साधु बनते हैं, मन को मारने से भक्त बनते हैं, मन को कैसे मार सकते हैं। ये एनेस्थेसिया जैसे बोलते हैं ना, वो ले जाते हैं कुछ काम नहीं करता है, ऑपरेशन हो जाता है, मन काम करता है ना वो पागल बना देता है हम लोग को। मन का दास हम है, गुरु का दास हम नहीं बने, हमारे गुरु जी क्या करते, तुम मन का दास हो, गुरु का दास नहीं बने हो, इसीलिए तुम इतना प्रॉब्लम में। तो हमारा जो मन बुद्धि है ना, गुरु की वाक्य, आचार्य लोग की वाक्य से वो जीना चाहिए, काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये स्वस्थ अवस्था है, समझ रहे हैं ना, एक रुग्ण अवस्था है, रोग हो जाता है ना, रोग यही है, डिजीज कंडीशन यही है। खुद का मन जब काम करता है ना वो पागल है, वो डिजीज कंडीशन है। खुद का मन में कुछ नहीं हमको करना है, इसलिए पितामह भीष्म सोए थे सरसैया पर, ठाकुर जी घुमा फिरा करके व्यवस्था कर रहे पास में आने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज भी हाँ बोल दिए, चलिए तब आ रहे। ये जो दृश्य वर्णना कर रहे सुखदेव सुत गोस्वामी, बहुत सुंदर दृश्य है। हमारा मनोरथ, हिंदी में बोलते हैं ना मनोरथ, ये मनोरथ पूर्ण होता है, धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होता है, 400 साल का बाद ये मनोरथ पूर्ण हो रहा है। सिर्फ युधिष्ठिर राजा बनना है, साउंड थोड़ा कमा दीजिए, बहुत आवाज हो रहा है शायद। मनोरथ था पितामह भीष्म का, युधिष्ठिर राजा बनना चाहिए, पांडव लोग राजा बनना चाहिए, भगवान की भक्त राजा बनना चाहिए। ये मनोरथ पूर्ण हो गया, और शरीर छोड़ने के समय मेरा ठाकुर जी मेरे पास रहना चाहिए। कितना दिन वेट किए, 400 साल, हम कितना साल भक्ति किए। मैं कभी कभी बोलता हूँ, आप गाड़ी चलाते हैं ना, मुझे तो गाड़ी चलाना पता नहीं, आपको गाड़ी चलाना पता है, बाइक, जैसे कार चलाते हैं ना आप, आपका गाड़ी बैक गियर में है, बैक गियर में है ना, आप चाहते कि मैं अभी 60 स्पीड में जाऊंगा, हो सकता है, बैक गियर से कहाँ आना होगा, न्यूट्रल पहले आइए। अभी तक हमारा गाड़ी, हमारा जो गियर बॉक्स बोलते हैं ना, जो गियर है अभी न्यूट्रल में भी नहीं है, न्यूट्रल का बाद 1, 2, 3 आगे बढ़ाएंगे, पहले न्यूट्रल को आ जाओ भाई,
न्यूट्रल क्या समझ रहे हैं ना, मन में कोई विषय चिंतन नहीं रहना चाहिए, विषय भोग लालसा नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल हो गया मन, हो गए अब आगे बढ़ना। अभी हम बैक गियर में हमारा गाड़ी चल रहा है, समझ रहे हैं ना, बैक गियर में चल रहा है। विषय लालसा मन में रहता है इसका मतलब बैक गियर है, आगे कैसे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए गाड़ी पीछे जाता है। बैक गियर लग गया है ना, तो आप जितना दबाएंगे एक्सीलेटर को क्या होगा, वो पीछे में जाएंगे ना। अभी भजन चल रहा है, दबा रहे हैं, लेकिन गियर तो है ना बैक में, वो पीछे खींचता है। तो अगर एनालाइज करेंगे ना आप, हमारा कुछ शक्ति नहीं, कुछ नहीं, इसे कनेक्ट आप गाड़ी 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 का जो गियर बॉक्स, इसका साथ एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग, सब कुछ फिट है ना, एक कनेक्टिव चीज होता है। क्या कर, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, शुद्ध भावना, मन में शुद्ध भावना रखना चाहिए, मैं गुरु और कृष्ण का सेवा करना, ये जीवन इसीलिए। तो पितामह भीष्म ने मन में मनोरथ रखा था कि भगवान आएंगे और आ गए। तो दाते भ्रातर सर्वे सदस्वे स्वर्ण भूषित अन्वगछन रथे विप्रा व्यास धोमदयस तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषण से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़े का खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धोम जैसे ऋषि, पांडव लोग के जो विद्वान पुरोहित थे तथा अन्य लोग थे। ये नीति नहीं, पिता काल में बोल रहा था कि पितामह भीष्मदेव सोए हुए कहाँ, सरसैया पर, और पांडव लोग कैसे जा रहे हैं, राजवेश में। ठाकुर जी ने बोले तुम सब राजवेश बना लो, सदस्य स्वर्ण भूषित है, दो विशेषण लगाए, अच्छा अच्छा जो घोड़े थे ना इसको लाओ, क्योंकि पितामह भीष्म अगर देख लेंगे आप लोग सुखी है तो उनका मन सुख हो जाएगा, ये मैं चाहता हूं, समझ रहे ना आप। तो सुख कौन दे सकता है, व्यवस्था कौन कर सकते हैं, ठाकुर जी। एक भक्त को सुखी करने के लिए देखो कितना व्यवस्था कर रहे हैं, ठाकुर जी का ये बड़ा काम नहीं, सबसे बड़ा काम यही है भक्त लोग को सुखी करना, पीछे पड़ते हैं। सदस्य स्वर्ण भूषित तदा ते भ्रातर सर्वा, पांच भाई गए, सर्वे सर्वे हर जगह में लग गया, सदस्य स्वर्ण भूषित जो जो रथ में बैठे थे ना, अच्छे अच्छे घोड़े, सुलक्षण घोड़े थे और स्वर्ण भूषित, क्योंकि पितामह भीष्म अगर देख लेंगे ना मेरा पांडव लोग जंगल में थे, वो राजा बनने के लिए मैं पूरा 400 साल में कितना बार कोशिश किया हूं, आज हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, भगवान ने आदेश दिए। और उनके पीछे पीछे कौन जा रहे थे, व्यास धोमा दयस्तदा अनुगच्छन रथे विप्रा, यही पांडव लोग का सबसे बड़ा महान क्या बोले सफलता। वो जंगल में थे, उनका पास में ब्राह्मण थे, है ना, धोमी ऋषि उनका पीछे पीछे घूम रहे थे, वो जब जंगल चले गए उनका पीछे भी वो चले गए, अनुकूल थे। विप्र जब अनुकूल रहते हैं, गुरुदेव जब अनुकूल रहते हैं, वैष्णव लोग जब उनका अनुकूल मनोभाव रहता है हमारा ऊपर, तब हमारा जीवन सुरक्षित है। हम पंडित नहीं, हम ज्ञानी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा यही इतना ही जरूरत है। साधु लोग, उन लोग का हर समय हमारे ऊपर अनुकूल भाव रहे, यह अगर नहीं रहेगा ना जीना बहुत मुश्किल है। मन में तो विषय का भावना है, विषय का भावना बैठ गया है बिल्कुल, संस्कार तो बहुत कम है, और अभी कलयुग चल रहा है तो जिएंगे कैसे, जी जाते हैं इसी में। साधु लोग सब लोग, एक पद है
आचार्य लोग ने लिखे हैं, सबे मिली कृपा करी करहा करुणा, सब सब मिलजुल कर मुझे कृपा कीजिए, सब मिलजुल कर कृपा कीजिए, मुझे सबका कृपा चाहिए, सबे मिली कृपा करी करह करुणा, सबका करुणा मुझे चाहिए। ये कलिजुग है, सबार कृपा ते तरी कली महाघोर, आप लोग को अगर कृपा नहीं करेंगे कलिजुग से तर उतरना, आगे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देख लीजिए हमारा प्रोसीजर कितना सुंदर है, मंगल आरती खत्म होता है तो सबको प्रणाम करते वांछा कल्पतर, भागवत क्लास देते तब वांछा कल्पतर, भागवत क्लास शुरू करते हैं तो देखिए गोस्वामी लोग का प्रणाम भी हम करते हैं, सब गुरु गुरु जी का प्रणाम भी करते हैं, गुरुवे नमः बहुवचन, सबको प्रणाम करते हैं, वो कृपा चाहिए। कृपा के सिवा जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण लोग अनुकूल रहना चाहिए, साधु लोग अनुकूल रहना चाहिए, हमारा भजन का यही क्या बोले फल है, भजन का फल यही है। जैसे जैसे बाहर लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं किसको केयर नहीं करता हूँ, आई डोंट केयर एनीवन, ये इसका इधर उल्टा है, क्या बोले, मैं सबका केयर करता हूँ, ये बिल्कुल अलग भाव है, अनुकूल रहना चाहिए। पांडव लोग का जीवन में सफलता का ये चाबी था, ब्राह्मण लोग प्रसन्न थे, वैष्णव लोग प्रसन्न थे, गुरुजी प्रसन्न थे, यही चाहिए हम लोग को। अन्व गच्छन रथे विप्रा व्यास धोमा दयस तथा आदयस तथा न तो व्यास धोम, व्यास और धोम का साथ बहुत मुनि ऋषि लोग गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए थे बताइए, पता नहीं चल रहा है, पितामह भीष्म जब दर्शन कर लेंगे कि सब मुनि ऋषि लोग पांडव लोग का साथ है तो वो खुश हो जाए कि अभी साधु लोग का आशीर्वाद पांडव लोग पर है। आप कितना बलवान है, जितना वैष्णव आपको वैष्णव लोग का मनोभाव आपका ऊपर प्रसन्न है, सुख है, तब आप इतना बलवान है। यही हम लोग का जीवन में सबसे बड़ा तप है, अनुकूल लाना, वैष्णव लोग को पास में लाना, तो अपना जो सेवा है, जो व्यवहार है, त्याग है, ये जगत के लिए हम नहीं कर रहे हैं, जैसे योगी लोग करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, वो किसके लिए, जगत के लिए। लोग हम लोग को कुछ प्रशंसा दे, धन दे, हम लोग का भावना ये नहीं है, गुरु और कृष्ण के लिए, वैष्णव लोग के लिए। आज देख लीजिए जो प्रभुपाद के डिसाइपल लोग हैं, वो जो जितना आगे गए हैं ना, उनका पीछे उतना सपोर्ट है वैष्णव लोग का, गुरु जी का, ये अनुकूल है। अनुकूल भावना नहीं रहता है ना, इसलिए आप देख लीजिए चैतन्य चरितामृत पढ़िए, कभी भी चैतन्य महाप्रभु जब रूप सनातन मिले, कोई वैष्णव मिलते हैं ना महाप्रभु का शरण लेते, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं सब वैष्णव लोग को, आप सब मिलजुल कर कृपा कीजिए मेरा रूप और सनातन को, क्या जरूरत है बताएं। तो आप तो कृपा कर लिए, आप भगवान है, फिर रूप सनातन को ये वैष्णव लोग को कृपा क्या जरूरत है। देखिए कृपा का क्या स्वरूप होता है, इसका कैसा जरूरत है, इंपोर्टेंट है। हर समय वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवास, गुरु गुरुन वैष्णवास, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु जितना शिक्षा गुरु हैं और वैष्णव, क्योंकि भक्ति पथ तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उड़िया में खुर खुर पता है आपको, छुरा नहीं छुरा नहीं, पहले जमाने में हाँ घिसाई करते थे, पहले चमड़ा में घिसाई करके उसको सेविंग करते थे नाई लोग, उस्तरा, हाँ उस्तरा जैसा है, हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये जो वैष्णव जो पथ है ना ये उस्तरा जैसा है, बहुत सावधानी से रहना चाहिए, घिसाई करते हैं ऐसे ऐसे घिसाई करते हैं उसका बाद वो सेविंग करते हैं।
हृदयम क्षुरधारणम प्रियम को नाम योषितः। ये पद्म पुराण में है, नारी का जो हृदय है वैसे भूल के बहुत सारी। ये पथ हमारा ऐसा है, पग पग पर सावधान, बंदे मुझे सावधान। इसलिए हमको क्यों गुरु गुरुन वैष्णवास से ये क्यों रुक? कब हमारा गलती हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, मानसिक स्तर में हो जाता है ना, समझ रहे हैं ना आप, मानसिक स्तर में हो जाता है। कभी कभी संप्रदाय में दोष बुद्धि आ जाता है, आचार्य लोग से दोष बुद्धि आ जाता है। इच्छा नहीं है, कुछ सुन लिया ना, इस पर महिमा ज्यादा आ जाता है। जैसे अलग स्पीकर को, आप वृंदावन गए हैं, बहुत बड़े महाराज जो प्रवचन दे रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी लोग हैं, वो कुछ बोल दिए, आपका मन में क्या आ गया, हमारा संप्रदाय में ऐसा तो नहीं है। वो हो गया भजन, वृंदावन वास हो गया, संप्रदाय में दोष बुद्धि आ गया, यह अपराध लग जाता है, आचार्य लोग अप्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटा छोटा चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमको कृपा चाहिए, अनुकूल भावना, वैष्णव लोग का अनुकूल भावना रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये जो कृपा हो है ना, ज्ञान मन को और बुद्धि को कैसे चलाते हैं, जब तक आप सत्वगुण में रहते हैं, समझ रहे हैं ना, सत्वगुण में रहते हैं तब तो बुद्धि आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिन रात सोच रहे हैं फिर कर देते हैं, रजगुण आ गया तो हो गया। हम बुद्धि लगाते हैं सत्व गुण पर हम चल रहे हैं, लेकिन कृपा का स्वरूप क्या है? कृपा जब गुरु वैष्णव लोग कृपा कर देते हैं ना, इसको एक शब्द है संस्कृत में, जीव गोस्वामी ने बार बार इसको दोहरा रहे हैं, तादात्मिका। तादात्मिका क्या समझ रहे हैं आप? जैसा आग है, आग में लोहा को डाल दीजिए, एक लोहा आयरन लीजिए, आयरन पीस लोहा लीजिए, डाल दीजिए, क्या होगा? वो आग की तरफ हो जाएगा, इसका संस्पर्श में अभी आग का धर्म प्राप्त हो गया, इसको तादात्मिका। अभी क्या बोलेंगे? लोहा तादात्मिका, शक्ति प्राप्त की। हमारा जो इंद्रिय है ना, ये इस इंद्रिय में निर्मल भजन नहीं होगा तो प्रश्न करेंगे, तो आचार्य लोग बोले हैं ना हमको नाम करने के लिए, भाई ये सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ज्यादा कचड़ा और इंद्रिय में विषय भोग वासना ये नहीं रहना चाहिए, इस सफाई होना चाहिए, एटलीस्ट हम सत्व गुण तक जा सकते हैं। लेकिन इंद्रिय तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक तादात्मिका शक्ति प्राप्त नहीं होता है। तादात्मिका क्या समझ रहे हैं ना, जैसे लोहा को आग में डाल दिए, आग का जो धर्म लोहा में आ गया। हम इसलिए गुरु उपासना करते हैं, भगवत उपासना करते हैं, तुलसी का उपासना करते हैं, एक कृपा जब आ जाते हैं तब क्या होता है, तादात्मिक शक्ति प्राप्त होता है, इसको कृपा शक्ति बोलते हैं। इंद्रिय भी क्या हो गया, चिन्मय हो जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद जस्य प्रसाद आप भगवत प्रसाद, गुरु जी का, वैष्णव लोक का। तादात्मिक शक्ति जब तक, एक कृपा शक्ति जब तक अवतरण नहीं करते हैं, संचारित, सुने ना एक शब्द, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्तर कृष्ण गुण सकली संचारे। संचारे जो शब्द है क्या मतलब है? प्रवाहित होता है। ये अंग्रेज में क्या बोलते हैं, संक्रमण, कंटेजियस। ये भक्ति और कुछ नहीं, प्रेम कुछ नहीं, एक कंटाजियस डिजीज है, ये रोग है, संक्रमित रोग है। संक्रमित होता है कर्मी ज्ञानी जोगी, ये गुण गुण जो है उसको अर्जन करते हैं, अर्जन करते हैं। जोगी का क्या पाम जाइए, आपको पहले से ट्रेनिंग, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा चलना है, भीतर का भावना अलग है, उनका ट्रेनिंग यही है। हम लोग का क्या है, गुण संचारित होता है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्तर कृष्ण गुण सकली संचार। ये तादात्मिका शक्ति है। हम इसलिए नौकर जैसा दिन रात सेवा करते हैं, वही कृपा शक्ति पर भरोसा करते हैं, कब कृष्ण कृपा करेंगे, गुरु जी कृपा करेंगे।
और जब कृपा आता है ना, वो तादात्म्य का शक्ति प्राप्त कर लेते। अभी इंद्रिय में नहीं है, जैसे हम कृष्ण बलराम दर्शन कर रहे हैं ना, है ना, तो मुझे लग रहा है कि बलराम पढ़ाई इधर नहीं कर रहे। कृष्ण बहुत गंभीर है, बलराम का भाव तो बहुत सुंदर, ब्रज ब्रज में बलराम जैसा ऐसा ही है। ये संदीपनी ऋषि का आश्रम है ना, इधर पढ़ाई करना चाहिए, वो तो सीरियस नहीं है बलराम, वो तो बहुत मस्ती में है, आनंद में नहीं, हंसी उड़ाए ना, सारस में हंसी उड़ा रहे जैसा, ऐसा ही लग रहा है। दर्शन करना, अभी दर्शन करते हैं तो इतना आनंद नहीं होता है, क्योंकि तात्त्विक शक्ति नहीं। मोबाइल देखते हैं बोर लगता है, बोर लगता है, नहीं नहीं मोबाइल दर्शन करो, ये एक प्लास्टिक को दर्शन करते, फाइबर को, दिन रात बोर नहीं होता है आंख। ठाकुर जी को दर्शन करो, भागवत पढ़ो, हाँ हो गया, क्यों? तात्त्विक शक्ति नहीं, कृपा शक्ति नहीं, ये संचारित होता है। जो संचारित शब्द अर्जन नहीं, क्वालिफिकेशन से नहीं होता है। कृष्ण भक्तेर कृष्ण गुण सकली संचारे, संचारित होता है कृपा के, कृपा के बल। इसलिए सबसे बड़ा साधन है वैष्णव लोक, अनुकूल रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हमारा जितना साधन है, साधन का लक्ष्य यही है, गुरु प्रसन्न रहे, आचार्य लोग प्रसन्न रहे, वैष्णव लोग प्रसन्न रहे। और इसका व्यवस्था भी ठाकुर जी करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? ठाकुर जी अगर आपको पसंद कर लिया अपना, आपका मनोभाव को, सब वैष्णव लोग से आपको कृपा दिलवाएंगे। वो जा रहे हैं पितामह भीष्म के पास, लेकिन जितना भाई लोग थे ना, जितना पांडव लोग थे, तदाते भ्रातर सर्व सदस्य स्वर्ण भूषित अन्व गचन रथे विप्रा व्यास धोमोदय तथा। व्यास जी जा रहे थे, धौम्य जा रहे थे, मुनिऋषि लोग जा रहे थे, और ठाकुर जी पितामह भीष्मदेव को ये दिखाने के लिए कि देख लो, अभी तक पांडव लोग का ऊपर ब्राह्मण लोग का आशीर्वाद है, आप शांति से शरीर छोड़िए, चिंता मत कीजिए पांडव लोग के लिए। पांडव लोग का ऊपर पितामह भीष्म का बहुत आसक्त था। आसक्ति किससे होना चाहिए? हाँ, भगवान से, भगवान से आसक्ति नहीं होता है, नहीं होता है, भगवान से आसक्ति हमारा नहीं होता है। संबंध ज्ञान हमारा नहीं है कि आसक्ति है, जिससे संबंध है तब आसक्ति है, समझ रहे हैं ना? आपका आपका गांव गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, किस साइड में है टाउन? सागर है। अगर कोई उज्जैन आ गए सागर का आदमी और आपको बोल दिए जगजीवन प्रभु इस सागर का आदमी है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। ट्रेन में जाते हैं ना, लोग बोल देते हैं हम विदेश में जैसा है, आप कहाँ से? उड़ीसा से हैं, इंडिया से हैं। देखो संबंध में कितना खुश होता है, तब तो बोलते हैं आप इंडिया से, आप कहाँ से? मैं भी मध्य प्रदेश से। भगवान भगवान को दर्शन करता हूँ ऐसे, तो प्रभु जी आप कहाँ से हैं? मैं वहाँ से हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे काम चलता है, सेवा चलता है, संबंध नहीं, संबंध देते गुरु जी, नहीं तो गुरु जी का क्या आवश्यक है? ज्ञान शास्त्र से नहीं मिलता है, कर्मी ब्राह्मण से नहीं मिलता है, पंडित लोग से नहीं मिलता है, गुरु का क्या जरूरत है? गुरु का मंत्र व्यवसाय है क्या? नहीं नहीं भाई, सब मिल जाता है, एक चीज नहीं मिलता है, जिन भक्त लोग का कृष्ण से संबंध है वो हमको संबंधित कर सकते हैं। और कृपा कैसे मिलता है पता है आपको? कैसे ठाकुर जी देते हैं? डायरेक्ट आपको नहीं देंगे, आप किसका लोग हो? प्राइम मिनिस्टर जाएंगे आप किसका पास? मोदी का पास, उनका सेक्रेटरी का पास, वो पहले पूछेंगे आप कहाँ से आए? एमपी से, एमपी का नाम इधर एमपी तो है, मध्य प्रदेश का एमपी का नाम बोलना पड़ेगा, सागर का जो एमपी है ना उन्होंने मुझे भेजा है, तब सेक्रेटरी बोलेंगे आ जाओ। संबंध नहीं है ना आपको कोई पास में कोई नहीं लाएंगे। ठाकुर जी जो कृपा देते हैं ना उसको संबंध कृपा बोलते हैं। हमारे यही कृपा ही हमारा परंपरा में सबसे बलवान है, इसलिए गुरु का जरूरत है। ठाकुर जी कृपा देने से पहले पूछेंगे तुम किसका हो? प्रभुपाद जी का हो? गुरु का हो? हाँ ये मेरा शुद्ध भक्त का है, तब तो कृपा देते हैं।
समझ रहे ना, हमारा भजन से नहीं, क्या भजन हम कर रहे हैं, माया का भजन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कब हो जाता है, कब नहीं होता है, माली क्या साखी माला बोलते हैं ना, साखी माला, उस साखी माला को जितना बार दर्शन किए हैं हम लोग, भगवान का दर्शन इतना बार नहीं हुआ है, कब खत्म होगा, 60 राउंड 60 राउंड। और 60 राउंड खत्म हो जाता है ना, तब सोचते हैं सबसे बड़ा जीवन में बटन गया, रख लो, माला कहाँ है कभी पता नहीं चलता है, ममता कहाँ है, संबंध कृपा मिलता है, ठाकुर जी कृपा जब देते हैं ना, वो किसका आदमी है, अच्छा अच्छा वो महाराज श्री का आदमी है, अच्छा द्वारपाल को पूछेंगे महाराज जी को आदमी आए, अच्छा मेरा भक्त से उनका कितना ममता है, मैं सेंटिमेंट से नहीं बोल रहा, इफेक्ट है, देख लीजिए चैतन्य चरित्र प्रमाण में दे दूंगा आपको, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, जो गांव का किसको कुलीन ग्रामीण क्या बोल रहे थे, तुम्हारा गांव में जो स्वर है वो भी मेरा प्रिय है, जो स्वर स्वर चराते हैं किसको, इनको डॉम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे पता, जो स्वर वगैरह रखते हैं डॉम बोलते हैं ना, वो भी मेरा प्रिय है, वो भी मेरा प्रिय, किस संबंध से बोले, देख लीजिए ये फिलोसफी है, हमारा बल से ठाकुर जी हम बहुत बड़ा कहाँ भजन कर रहे हैं वृंदावन जाकर, तुम कितना माला कर लो भाई, तुम्हारा बुद्धि में जो है मन में जो है माला में वही चल रहा है, ऐसे भजन नहीं होता है, भजन ऐसे होता है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, ये अनुकूल है, शुद्ध भक्त का चरण कमल को पकड़ लेना, ये भजन का बल है, ठाकुर जी ये संबंध देखते हैं, ये किसका है, इस शुद्ध भक्त को अंगीकार किए कि नहीं, ये जीवन बना लिए है ना मेरा भक्त को, ये मेरा जीवन है, ठाकुर जी आपको जीवन जैसा बना लेते हैं कि मेरा भक्त का प्यार प्यारे भक्त है, ये हमारा फिलोसफी, ये आएगा, मैं सेंटिमेंट से नहीं बोल रहा हूं, आपको प्रमाणित कर दूंगा, ये पितामह भीष्म की चरित में, पितामह भीष्म देव बोलेंगे विश्वनाथ चौक ठाकुर क्या बोले हैं और प्रभुपद क्या बोले, पितामह भीष्म यही बोल रहे हैं, आप क्यों इधर आए, मेरा योग्यता से नहीं, मैं तो अपराधी हूं, आप क्यों इधर आए, पांडव की संबंध से आए, क्योंकि पांडव मेरा बहुत प्रिय है, इसीलिए आप आए, कभी भी जीवन में चाहे कुछ बर्बाद भजन है हो या नहीं हो, सबसे बड़ा भजन यही है, मैं गुरु जी का हूं, आचार्य लोग का, इस स्टैंडर्ड से कभी मन में हर समय ये भावना रहनी चाहिए, इसे गिरना नहीं चाहिए, मैं उनका चाहे बुरा हूं या भला आदमी हूं, मैं बुरा आदमी हूं या भला आदमी, मैं किसका हूं भाई, आप अगर बुरा लड़का है या अच्छा लड़का, आप किसका है, पिताजी का है ना, पिताजी आपको मानना है ये मेरा लड़का है, आप अगर नहीं मानेंगे तो, इसलिए ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि व्यास गए, धौम्य गए, सब मुनि ऋषि लोग गए, पितामह भीष्म ने जब देख ली प्रसन्न हो गए, अभी भी ब्राह्मण लोग का आशीर्वाद है और पांडव लोग राजा बने हैं, और ठाकुर जी कानून तोड़ा, फिर भगवान अपि विप्र से रथने स धनंजय सतेव्य रोचत रूप कुबेर ई बगु के, हे ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन का साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे, ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ 18 डेज के लिए ठाकुर जी प्रोमिस किए थे मैं सारथी बनूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2 बार हो गया, समझ रहे ना आप, भगवान ही बोनस देते हैं, बोनस आप सुने हैं, आजकल पेंशन तो गवर्नमेंट बंद कर दिया है, बोनस क्या देंगे पहले बोनस था है? और हम जब पढ़ाई करते थे, हम टीचर लोग का पास रहते थे, मैं बोलता था, कहाँ बोलता था, कानपुर में शायद बोल रहा था, ग्रेस मार्क है, पता है आपको ग्रेस मार्क, सब पेपर में वो 60% रखे हैं, एक पेपर कम गया है जो 5 मार्क कम है, टीचर लोग ग्रेस मार्क चढ़ा देते हैं 5 के, इसको पास कर, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में थोड़ा कम गया है, ग्रेस मार्क देते, टीचर का हाथ में है ग्रेस मार्क, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, पता है कि नहीं आपको,
उनका पास ग्रेस मार्क नहीं है, गुरु जी का पास ग्रेस मार्क नहीं है। रूपा जी इसलिए बोल रहे हैं ना, मेरा कि बैकडोर है, कहाँ मैं सुन रहा था कन्वर्सेशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप गोलक वृंदावन जाना है ना, मैं बैकडोर खुला कर दूंगा तुम्हारे लिए, इसमें तुम चले जाएंगे। फ्रंट डोर में आएंगे तो चेकिंग होगा बहुत, फ्रंट डोर में चेकिंग होता है ना, जैसे मिनिस्टर लोग जाते हैं एयरपोर्ट में, ये बैकडोर में चले जाते हैं। तो हम लोग जाएंगे बैकडोर में, फ्रंट डोर में मेरा तो साहस नहीं, फ्रंट डोर में कैसे जाएंगे, क्या योग्यता है। द्वादश अध्याय पढ़ लीजिए गीता में, ये फ्रंट डोर में जाने वाले का लक्षण है, भक्त का जो लक्षण ठाकुर जी बोले है ना 12 चैप्टर में, इसको पढ़ने से डर लगता है, ये फ्रंट डोर में हम नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो बैकडोर में जाएंगे। बैकडोर कब खोलते हैं, टीचर लोग खुशी है ना, अच्छा सेंसर स्टूडेंट है, थोड़ा गलती किए, एक ग्रेस मार्क चढ़ा देते हैं, खोल दो। गुरु जी ऐसे हमको लेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, योग्यता पर नहीं, ऐसे भगवान अपि विप्रर से। अर्जुन ने देखो, अर्जुन को कितना ठाकुर जी ग्रेस मार्क दे रहे हैं 18 दिन के लिए बोला था ना, 18 डेज के लिए बोला था, अभी एक बार गए किसका पास, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, और एक बार आ रहे हैं ठाकुर जी रथ में बैठकर सारथी होकर पितामह भीष्म का पास, क्योंकि पितामह भीष्म को ये रूप देखना था, ये झांकी देखना था, वो पार्थ सारथी का उपासक है, वीर रस का उपासक है। भावना शुद्ध करना चाहिए, योजना ठाकुर करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले योजना बना लेते हैं, भावना शुद्ध नहीं है, ये हमारा गलती है। योजना बहुत, मास्टर प्लान बहुत बड़ा है, लेकिन भावना शुद्ध नहीं है, इसलिए फल नहीं मिल रहा है। भावना पहले शुद्ध करो, जो योजना आपके लिए ठाकुर जी करने की। आप क्या सोच रहे हैं, प्रभुपाद जो विदेश गए उनको पता था उधर कैसे डिटेक्टर फोन लाना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है, क्या करना है, सिर्फ शुद्ध भावना, मेरा गुरु का सेवा मुझे करना है। योजना कौन की है, कृष्ण। आपका जीवन में सब देखो निदर्शन है भागवत का, पहले भक्त भागवत को समझो, उसका बाद ग्रंथ भागवत को समझ सकते हो। ममता ग्रंथ भक्त भागवत में नहीं है, ग्रंथ भागवत में नहीं होता, ये सिर्फ ड्राई नॉलेज है, शुष्क ज्ञान है, ममता तो नहीं है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ा कृपा यही है, महाप्रभु जिसको कृपा करते हैं ना, भक्त भागवत में मन टिक जाता है। ये प्रसंग चल रहा था कानपुर में, दुई भाई हृदय रख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे कराम साक्षात्कार, एक भागवत बड़ो एक भागवत भक्ति रस पात्र, एक भागवत ग्रंथ भागवत है और एक भागवत भक्त भागवत है, दोनों से ठाकुर जी गौर नित्यानंद दोनों से कृपा दिलवाते हैं भक्त लोग, उनकी व्यवस्था है। पहले भावना शुद्ध करना चाहिए, योजना ठाकुर जी कर लें। हमारा तो भावना शुद्ध नहीं है, प्लान पर प्लान प्लान पर प्लान चलता है, ये काम नहीं करते। पितामह भीष्म का भावना शुद्ध था, पांडव लोग का भावना शुद्ध था, योजना ठाकुर जी कर रहे थे। भगवान विप्र से ही रथ ने स धनंजय अर्जुन का साथ आए, सते व्यरोचता नृप कुबेर इव गुह्यका। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों में गुह्यकों से घिरा हुआ है, इतना सुंदर लग रहे थे। कहीं क्यों बोलो, भीष्मदेव को सुखी बनाने के लिए ठाकुर जी का ये योजना थी। जितना जितना अच्छा अलंकार थे सब बोले इसको पहन कर आओ, अच्छा ड्रेस पहन कर आओ, सुखी ठाकुर जी बना सकते हैं हम लोग को। योजना में कुछ नहीं होता है, भावना शुद्ध करना चाहिए। और आगे पास में और देख रहे थे पितामह भीष्म कैसे गिरे थे, उसका वर्णन कितना दिन लगभग सोच लीजिए, गीता जयंती से दिसंबर से जनवरी 14 का लगभग 35 डेज से ज्यादा, बहुत सुंदर लग रहे थे इसको वर्णन कर रहे हैं। दृष्ट्वा निपतित भूमौ
दीवस्युतमिमामरं प्रणयमुः पण्डवाभीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। आकाश में, आकाश से आ गिरे देवता की समान पितामह भीष्म को भूमि पर लेट देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया, भगवान भी प्रणाम किए। क्यों प्रणाम किए? भक्त को प्रणाम करना चाहिए और संबंध से प्रणाम कर रहे हैं। मैं अभी भगवान नहीं हूं, मैं किसका हूं? अर्जुन का सारथी हूं, सखा हूं ना, प्रणाम। युधिष्ठिर पितामह भीष्म को पता है ये कौन है, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पता है उनको। लेकिन भगवान कितना सुंदर स्वभाव के होते, एटिकेट कितना फॉलो करते। दृष्ट्वा निपतितो भूमौ दीवा च्युत मिवा अमरम। ये भागवत है। दीवा च्युत मिव अमर, कोई अमर, कोई देवता जैसे गिर गया, आकाश से गिरा ऐसे लग रहे थे, इतना सुंदर। भक्त रूप से सुंदर नहीं होते, पता है ना सुंदर क्या है? चाणक्य पंत लिखे, एक श्लोक लिखे, कुकिनाम सुर रूपम स्त्रीणा रूपम पतिव्रता कुरुपाणाम रूपम विद्या क्षमा रूपम तपस्विना। कुकिलाणाम, कुकिल क्या, कोयल, कोयल का रूप क्या है? स्वर है। दिखने के लिए कैसे है? शराबी जैसा है। आंख देखे हैं कोकिल कोयल का? मैं तो देखा हूँ, पेड़ में बढ़ते में देखता हूँ। आंख कैसा है? काला शरीर है, आंख भी लाल लाल है। अच्छा नहीं, इसका सुर क्या है? ये रूप है, गुण। कोकिलाणाम सुर रूपम स्त्रीणा रूपम पतिव्रता, नारियों का रूप क्या है? पतिव्रता। कुरूपाणाम रूपम विद्यम, जिन लोगों का रूप अच्छा नहीं है, कुरूप है, विद्या उनका रूप है। कभी कभी देखे ना अंधे लोग संगीत गाते हैं, जैसे रामायण में वो गए, उनका विद्या हो गया, उसका रूप है। कुरूपाणाम रूपम विद्या, साधु का क्या रूप है? क्षमा, क्षमा रूपम तपस्या, तपस्वी लोग का क्षमा करना ये रूप है। और हमारा रूप क्या है, हमारा सौंदर्य क्या है? कैसे गुरु और कृष्ण से जो आसक्त भावना, अनुगत्य, गुरु भक्ति, आचार्य लोग से भक्ति करना, ये हमारा रूप है। समझ रहे ना? ये भक्ति से सुंदर। षड गोस्वामी का फोटो आप लोग देखे हैं? षड गोस्वामी का फोटो देख लीजिए, रूप कैसे आए। प्रभुपाद जी जब गाना गाते हैं षड गोस्वामी अष्टकम, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, देख लीजिए षड गोस्वामी का फोटो देख लीजिए, रूप के साथ। ठाकुर जी रूप देख कर आते हैं, तुम मोटा हो पतला हो तुम विदेशी हो तुम भारतीय हो, ऐसे नहीं, ठाकुर जी खींच कर आते हैं। भीतर में क्या है? भक्ति है। बहुत सुंदर लग रहे थे पितामह भीष्म, भक्ति में आदमी सुंदर होते हैं। भक्ति बढ़ाना चाहिए, अनुगत्य बढ़ाना चाहिए गुरु और कृष्ण से, इसमें ये सुंदरता है। शुद्ध गोस्वामी बार बार उसका झांकी याद आ रहे हैं, पितामह भीष्म कैसे, क्योंकि चिंतन कर रहे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे, एक महीना, लगभग एक महीने चिंतन कर रहे थे कृष्ण स्मरण कर रहे थे, अखंड स्मरण कर रहे थे। समझ रहे ना? मेरा इधर भजन नहीं हो रहा है, नहीं उधर जाऊंगा, इधर भजन, भजन इधर उधर करने से नहीं होता है। जो बार 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 इस मंदिर से उस मंदिर जाता है, उस मंदिर से उस मंदिर जाता है, उसका भजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है आपको? जो इधर रहता है ना, उनका आसक्ति किसका ऊपर हो जाता है? चाहे कृष्ण बलराम हो चाहे, तो आप भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ाएंगे ना, एक ठाकुर जी के ऊपर पहले आसक्ति बढ़ाना होगा। समझ रहे ना? जैसे वृंदावन में आप हो, चाहे राधा रमन हो, चाहे मदन मोहन हो, चाहे बंग बिहारी हो, कोई ठाकुर जी का ऊपर आसक्ति आपको बढ़ाना होगा ना पहले। मैं बोलूंगा आप कृष्ण भक्ति करो, कैसे कर सकते हो आप? कोई ठाकुर जी को पकड़ना होगा, है ना? एक मंदिर में जो रहते हैं ना, उनका मुख से एक ठाकुर जी का नाम निकलता है,
देख लो, जैसे मायापुर में जो भक्त लोग हैं राधा माधव बोलते हैं, आप इधर है ना, किसको बोलते हैं? मदन मोहन बोलते हैं। हम भुवनेश्वर में रहते हैं ना, ये आदत हो गया, कृष्ण बलराम बोलते हैं। एक ठाकुर जी से कम आसक्त हो जाते हैं, ये लाभ होता है। इधर उधर घूमने से क्या होता है, कोई उनका मन में कोई ठाकुर नहीं रहता है, उधर अभी तक तो किस ठाकुर का है नहीं, तो इधर उधर घूमता है। तो हर जगह में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन एक चीज, एक स्थान पर रहने से, एक ठाकुर से आसक्त आता है। आप जिस जितना भक्त लोग आप है ना, इसे देख लिए, पसंद अलग अलग, किसको कृष्ण बलराम पसंद है, किसको मदन मोहन है, किसको नृसिंहदेव है, जगन्नाथ है, हर दिन दर्शन करते हैं, उनसे थोड़ा ममता हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, आगे आसक्त आता है। इधर उधर घूमना अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा सूत्र यही है, अनुगत्य में रहना, गुरुवानुगत्य में, भजन हो या नहीं हो, आज नहीं हो रहा है कल होगा, अगर अनुगत्य नहीं है भजन नहीं होता है। कहां भी आप रहिए, वृंदावन जाइए, कहां जाइए, अनुगत्य हमारा परंपरा में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब वृंदावन जाएंगे ना, किसका अनुगत्य चाहिए? अक्षय गोसाई जार ब्रजे कैलावास दासवार पद रेणु मोर पंचग्रास, उधर भी अनुगत्य चाहिए, समझ रहे ना? अनुगत्य हिंदी में अनुगत्य बोलते हैं ना, हाँ, अनुगत्य चाहिए, अनुगत्य के सिवा भजन नहीं होता है। और ठाकुर जी अनुगत्य के सिवा सेवा और भजन नहीं लेते, उनका स्वभाव यही है। ठाकुर जी का स्वभाव है, हम क्या करेंगे, अनुगत्य। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब तो देखते हैं ये किसका है, गुरुवानुगत्य में है, तब कृपा देते हैं। ये सब हमारा दर्शन है। पांडव लोग किन लोग का अनुगत्य में थे? हर्षण अनुगत्य, विदुर जब थे विदुर का अनुगत्य में थे, है ना, दास धोम सब सब समय। एक शब्द आप सुने हैं उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता है, छत्र छाया हिंदी में बोलते हैं, मैं आपकी छत्र छाया पर, यही आचार्य लोग की छत्र छाया पर रहना चाहिए। अरे ये भाव भी गुरु वंदना में प्रकट हुए हैं, हा प्रभु, लास्ट में ना, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, ये छाया शब्द है, छत्र छाया, ये सेंटिमेंट नहीं है, कंक्रीट फिलोसफी है। ये नहीं रहता है तो बुद्धि में तो भजन नहीं होता है। अनुगत्य विहीन भजन भजन नहीं है, अनुगत्य विहीन सेवा सेवा नहीं, ठाकुर जी नहीं लेते हैं। ठाकुर जी पहले देखते हैं ये जो सेवा करते हुए किसका है, ये मेरा भक्त का है या खुद पुजारी समझते हैं? मेरा उपासक कोई नहीं हो सकता है, जो मेरा भक्त का उपासक है वो ही मेरा उपासक है। सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से विनाम निसंशय तद भक्तम परिचर्यतात्मनम, सिद्धि हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं भी और मैनट भी, संशय डाउट है। अच्युत से विनाम, जो डायरेक्ट कृष्ण बलराम जी सेवा कर रहे हैं, भगवान की जो डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, सिद्धि हो सकता है नहीं हो सकता है, संशय डाउट है, लेकिन एक चीज में बिल्कुल डाउट नहीं, निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्यतात्मना, कोई डाउट नहीं, तद भक्त अच्युतस्य भक्तस्य परिचर्यरतः, ये भगवान के भक्त की सेवा कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं, ये आ गए सब। और ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी पांडव जैसे हैं, मैं पांडव लोक का भी हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, किसको प्रणाम किए, प्रणेमु पांडव पांडवा भीष्म सानुगा सह चक्रिणा, राजा ने सानुगा भाइयों का साथ प्रणाम किए पितामह भीष्म को, और सह चक्रिणा कृष्ण भी प्रणाम किए, भक्त को प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। तब आ गए संसार में जितना मुनि लोग थे ऋषि लोग थे सब आ गए, क्यों आए बताए, वो तो क्षत्रिय थे ब्रह्मचारी थे मैनेजमेंट में थे, इसलिए ब्रह्मचर्य लोग के लिए एक शिक्षा है, समझ रहे हैं ना,
ब्रह्मचर्य है साधु है ना, वो मंदिर में मैनेज करेंगे, घर में मैनेज कभी नहीं करना चाहिए। घर का जो अफेयर है ना कभी नहीं करना। पिता विष्णु से सीखा है ये उत्प्रेक्षा है, घर का चीज में कभी वो समर्थ साधु थे, कितना झमेला में फंस गए देखो, समझ रहे ना। इधर हम मैनेज कर रहे घर में, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया गया, उसका मैनेजमेंट में मत घुसो। भाई क्या कर रहे हैं, माताजी पिताजी का ये प्रॉब्लम है, हम भगवान है क्या, दूसरों को क्या मदद हम करेंगे, सबका कर्म फल है, खुद का तो कर्म फल है, खुद मर रहे हैं दूसरा किसको जिलाएंगे, ये नहीं सोच रहे हैं, खुद का भजन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना, फिर दूसरों को किस क्या जिलाएंगे, हम भगवान है क्या। कभी नहीं, बुद्धवान नहीं बनना चाहिए, इसे बुद्धि बुद्धगिरी है। मदद करूंगा, क्या मदद करेंगे, तुम खुद ही मर रहे हो, खुद का पाव इधर उधर गिरता है, पाव पकड़ में, पाव भूमि में रखने के लिए हमारा शक्ति नहीं, हम किसको फिर ढोएंगे, ये सब भ्रमित भावना है, छोड़ देना चाहिए। हम गुरु और कृष्ण में जो भी करना है जिम्मेदारी लेना उनके लिए करना, परिवार चीज को छोड़ देना चाहिए, साधु बने हैं ना, छोड़ दी वो ठाकुर जी के हाथ में, फंसना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य लोग। इसीलिए पिता भविष्य आज सोच रहे हैं मैं ब्रह्मचारी बना, लेकिन देखो पिता के लिए सिर्फ परिवार की जो कंदल है मैनेजमेंट में इसमें घुस गया, इसीलिए आज इतना कष्ट है। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासं दृष्टा भरत पुंगव। राजा भरत के वंश में प्रधान भीष्म के, भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सप्तगुणी महापुरुष जथा देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वहां एकत्र हुए। कोई महाभारत युद्ध में जितना सैनिक थे पितामह भीष्म के निर्याण के समय उतना साधु आ गए। प्रमाण प्रमाण लेंगे, इधर देखिए तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे, सर्वे सबसे अन्वय होगा, ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षय सर्वे राजर्षय सर्वे, सब आए थे, सबका आश्रम खाली था, और सिर्फ अकेले नहीं आए थे, चेला के साथ, सब चेला को बोलो चलो चलो पितामह भीष्म शरीर छोड़ेंगे, चलो चलो चलो, और कृष्ण आए हैं, इसका मतलब उधर कोई लीला होने वाले, कृष्ण कथा होने वाले, और पितामह भीष्म शरीर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर भक्त जो है ना शरीर छोड़ने से पहले उनका जो भीतर का भाव को प्रकट करके जाते हैं, हम लोग के लिए मेरा भाव यही है तुम ऐसा करो, ये ज्ञान देकर जाते हैं, अंतिम ज्ञान उपदेश देकर जाते हैं, भक्त ऐसे शरीर नहीं छोड़ते, समझ रहे ना। जैसे आप भोजन करते हैं, आज आलू मटर छोले पनीर जो कुछ भोजन किए हैं ना, तो खा लिए, ढक्कर ढक्कर बोलते हैं हिंदी में, जो ढक्कर आता क्या आता है, छोले खाए हैं ना वही आएगा, पनीर खाए हैं ना वही आएगा, समझ रहे हैं ना। भीतर जो है वो साधु लोग जो जीवन भर भजन किए हैं ना, वो शरीर छोड़ने से पहले जो उनका भावना है ना वो प्रकट करके जाते हैं, ढक्कर जैसा वैसे नहीं जाते हैं, मेरा भावना यही है, उसको पकड़ना है, उसका भीतर क्या है, साधु का भीतर जो क्या चीज है उनका, जो उनका जैसे हम भोजन का भीतर में क्या है ढक्कर से पता चलता है, साधु लोग शरीर छोड़ने से पहले उनका भाव को प्रकट करते जाते हैं, इसको पकड़ना है। इसीलिए सबको बुला लिए, चेला लोग को बुलाकर गुरु जी ने बोले चलो सब चलो आज पितामह भीष्म के पास, 400 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है अभिज्ञता है ना वो प्रकट करेंगे ही करेंगे, उसको पकड़ना है तुम लोगों को। भजन कुछ नहीं है, प्रवचन क्या है, यही प्रवचन है, साधु का जो एक्सपीरियंस है अभिज्ञता है उसको प्रवचन में लेते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान आप पढ़ेंगे, आप काल प्रवचन देंगे, मैं भी पढ़ लूंगा, मैं दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लेंगे, टीका पढ़ लेंगे, आप भी दे देंगे, हम कितना बोल रहे हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा बोल रहे हैं, प्रभुपाद कितना बोल रहे थे, 15 मिनट्स 20 मिनट्स। आज ही वो टेप लगा लीजिए, आपको लगेगा ऊपर से आवाज आ रहा है, इधर से नहीं, हमारा आवाज तो नीचे का आवाज है, प्रभुपाद का टेप भजन लगा लेते हैं ना, लगता है ऊपर से कोई बोल रहा है, नीचे वाले नहीं बोल रहे, हम लोग तो नीचे वाले हैं, जितना सुंदर से बोलो कुछ यही का बात है
है तो ठाकुर जी की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम इधर का लोग हैं ना, लेकिन प्रभुपाद जी का टेप लगा लीजिए, लगता है ऊपर से कोई बोल रहा है, ऐसा लगता है ना। कितना कीर्तन मेला चल रहा है, कुछ भी कितना वैरायटी के कीर्तन होता है, लेकिन प्रभुपाद जी का कीर्तन लगा लीजिए, लगता है ऊपर से कोई बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है हर समय ऊपर से बोल रहा है। ये साधु, साधु से एक्सपीरियंस लेते, अभिज्ञता लेते, अनुभव स्वानुभव साधु का। ठीक है, कल सुने असम का सुने। ठीक, आप लोग का अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। महाराज, लाइक दो दिन से आप बता रहे हैं कि जिम्मेवारी लेना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए, और कहीं कहीं ऐसा आ रहा है कि सब ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए। तो ये बैलेंस का मतलब ऐसा ना हो कि केयरलेसनेस और डिपेंडेंसी जो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कभी कभी वो नहीं कर पाते, कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, कितना केयर करना चाहिए, उस चक्कर में ये बैलेंस। आप देख लीजिए, आप आपका उम्र अभी कितना है? 35, 36 अभी मैरिज का उम्र है, शादी करने का उम्र है। अगर आप शादी करेंगे, शादी करने के बाद बोलेंगे मैं ठाकुर जी का ऊपर छोड़ दूंगा, होगा भाई? कुछ कर लो पहले, समझ रहे ना। हमारे पास एनर्जी है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। हम लगा लेंगे, जितना दूर चल सकते हैं चला लेंगे, सब ठाकुर जी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ठाकुर जी देखते हैं ये आलसी बन गए, मेरा ऊपर छोड़ देते हैं, ये आलसी बन गया बंदूक मेरा। उड़िया में कहावत है ना, ठाकुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर हम गोली चलाते हैं। बंदूक चलाना है तुम चलाओ, तुम्हारा कंधे में रखो, ठाकुर जी के कंधे में क्यों रखते हो? सब कुछ करते हो तुम, बोलते हो ठाकुर जी के ऊपर छोड़। अच्छा, भोजन करते हैं तब क्या बनना है? ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, ऐसे करते हैं हम नहीं। हमका योजना रहता है जीवन में, कोई योजना रहता है ना, सुंदर योजना रहना चाहिए गुरु और कृष्ण के लिए। आपका जितना शक्ति है, हर भक्त से ऐसा नहीं जिम्मेदार नहीं होता है, जो क्वालिफाइड है उनका बुद्धि है, शक्ति है, वो लगाना चाहिए। कपटी कितने, सुंदर बात आप याद कर दिए, हमारा गुरु जी क्या करते, कई वैरायटी की कपटी है पता है, कपटी जो डुप्लीसियसनेस पर्सन, बातचीत में जो बोलते हैं वो तो डुप्लीसियस है, और भी डुप्लीसियस लोग आदमी है, भागते हैं। इसका बल है, बुद्धि है, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगा रहे, वो बल कपटी है। अरे ज्ञान है, ठाकुर जी का बात प्रचार नहीं कर रहे, वो ज्ञान कपटी है। बल है, सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा कपटी है, ये भी कपटी है, समझ रहे ना आप। परिवार में अगर आप अगर शादी किए हो गए ऑफिस में, तो आप ऐसे बोलेंगे चलने दो गाड़ी जैसा चल, चलने दो नहीं, गाड़ी से भी आगे भागना पड़ेगा आपको। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, गाड़ी चलता है 60 में, लेकिन माइंड का स्पीड चलता है 100 में। घर में जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इधर लड़का को लेना है, सुपरमार्केट जाना है, 60 में गाड़ी चल रहा है लेकिन बुद्धि चल रहा है 100 में, समझ रहे ना। ऐसे वो जी रहे हैं, हमको भी ऐसे जीना है। भजन ऐसा छोटा चीज है, नहीं देख रहे प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, कितना लेटर कन्वर्सेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, कीर्तन, ट्रैवलिंग, सब चल रहा था गुरु के लिए। है ना, हम लोग का जीवन ऐसा ही है, ये जीवन है ना। हमारा जितना शक्ति में लगा लूंगा, उसका बात ठाकुर जी का ऊपर। आपका अगर है ना कोई, सब लोग भाई ठाकुर जी क्या है पता है आपको? ठाकुर जी भोरा है, ठाकुर जी को पता है किसका किसी फूल में कितना शहद है। आप लोग को सब लाए हैं ना, है आपका पास कुछ? आप सोच रहे हैं आपका पास कुछ नहीं है, तो आप क्यों कृष्ण भक्त बने? शहद है आपका पास, है। कोई कृष्ण भक्त भी देख लीजिए, ये कंडम बुद्धि वाले नहीं है, उनका पास है कुछ भी, सबका पास कुछ गुण है, कोई सिंसियरिटी है, नहीं तो कृष्ण भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु रसिक है। वो ऐसा आपको नहीं छोड़ देंगे, तुम जंगल में जाओ जोक करो, मैं नाचता हूं तुमको भी नाचना पड़ेगा, मैं नाच रहा हूं तुम कैसे बैठेंगे, तुमको भी नचाऊंगा मैं, आ जाओ। इसलिए और ठाकुर जी हमको लाए हैं ना, कंजूसगिरी क्या करना है। और विशेषकर ब्रह्मचारी लोग को अभी तक बिल्कुल रेस्ट नहीं है, अभी जो जमाना हो गया है, मोबाइल का जमाना दुनिया में जो चल रहा है,
अभी गद्धी जैसा, गद्धा जैसा काम करता है ना, 50-55 तक चलो, उसका बाद जी जाओ, पहले उसका बाद क्या भजन करना है पहले सोचेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं वर्क हार्ड समाधि लेटर, समाधि लेटर वर्क हार्ड, पहले श्रम कर लो, समाधि बाद में लेंगे। अभी रजगुण का उम्र है, हलचल का उम्र है, फिसल जाएगा पैर, रेस्पॉन्सिबल ले जाओ। क्योंकि रेस्पॉन्सिबल रहने से क्या क्या फायदा होता है, दबाव रहता है। हमारा गुरुजी क्या करते हैं, जिन लोग का कामना बहुत है, लस्ट लस्ट डिजायर बहुत है, गुरुदेव कहते हैं उनको 24 आवर एंगेजमेंट में लगाओ, 24 घंटा लगा लो, फुर्सत मत दो, तब तो वो जी जाएंगे। और हम लोग युवक है ना, अभी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है गुरु, और इसी से कृपा मिलता है। कर लो कुछ, इसे नहीं कि हम मिशन चलाएंगे, आएंगे बच्चे लोग आएंगे 10-20 साल, तो करके कुछ कृपा लाना है ना हम लोग को, ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण।